गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 7 अगस्त 2021। तो जल्दी इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड मुझे गाइस एक बार थम्स अप करके बताइए कि आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, कोई इशू नहीं है। सो हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है, वी हैव विद अस सिंधबाद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तानिया, गुड मॉर्निंग करिश्मा, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे गाइस। सो फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि जो हमारी स्कूल बूस्टर बुक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की बुक है, ये आपकी करंट अफेयर बेस्ड फ्रॉम जनवरी टू जून 2021, प्लस इसमें जो स्टार्टिंग पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी मौजूद हैं। 1800 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। एंड इफ यू यूज़ द प्रोमो कोड पेंडलम EDU आपको 20% यहाँ पर ऑफ मिलेगा। अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स रिवीजन करना चाहते हैं, सो यू कैन परचेज दिस हाफ ईयरली करंट अफेयर्स बुक विच कवर्स टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं सब कवर्ड हैं, चाहे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है, अपॉइंटमेंट्स है, ऑबिचुरीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, सब आपका टॉपिक वाइज कवर्ड है इसमें। यू कैन ऑल्सो रेफर द सैम्पल विच इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, आपको वेबसाइट पर सैम्पल अवेलेबल है, उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये भी जनवरी से जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ईयर सारे कवर्ड हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आज ही इसको परचेज करिएगा। सो चलिए आज का वर्ड ऑफ विजडम देखेंगे, डोंट बी स्ट्रेस्ड ओवर समथिंग इन द पास्ट, जो गुजर गया उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाकर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, आपने जो पास्ट में किया है कुछ भी कर लो, आप जाके उसको बदल नहीं सकते हो। तो इसलिए प्रेजेंट पे फोकस करिए और अपना फ्यूचर बनाइए। आज जो कर रहे हैं उस पे फोकस करिए, आज को अच्छा करिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। पास्ट पे अगर आप जिएंगे आज को तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पास्ट में गलती हुई, उसे सीखिए और आगे बढ़िए, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, इतने अच्छे वर्ड ऑफ विजडम के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। सो पहले हम प्रीवियस डे का रिविजन करेंगे। Which Indian boxer has won the bronze medal in the women's welterweight category at Tokyo Olympics? So, Tokyo Olympics में महिलाओं के welterweight वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता है? MC Mary Kom, Lovlina Borgohain, Jamuna Boro and Pinky Jangra, बताएंगे। So, correct answer क्या हो जाएगा guys इसका? Everyone, quickly comment करिए। Good morning Vaibhav, Rajiv, very good morning. सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज लवलीना बोरोगेन। ठीक है, इन्होंने वेल्टरवेट कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता। यस वैभव, तानिया, राजीव, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज मेड देयर प्लेस ऑन द फॉर्च्यून 2021 ग्लोबल 500 लिस्ट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ऑल ऑफ द अबव, बताइए। सो करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा? एवरीवन क्विकली कमेंट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारी ही जो ये कंपनीज हैं इन्होंने टॉप 500 ग्लोबल लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है जो कि एक बेटर पोजीशन पे है, बाकी कंपनीज जो है थोड़ा लो पोजिशन पे है। यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैभव, तान्या, राहुल, राजीव, यस राइट। नेक्स्ट देखेंगे, कस्टम कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन पोर्टल के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? इसको CBIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ये फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट ऑल द कस्टम टैरिफ आइटम्स के बारे में। एंड ये पैन इंडिया मैप है जो इसमें कस्टम्स के जो सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, लैंड कस्टम स्टेशन हैं, वो सभी यहाँ पर दिखाए जाएंगे। सो करेक्ट क्या है? 1 only 2 only, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 nor 2। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यस राजीव, तान्या, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन ऑनर्ड एज अ ग्लोबल विनर फॉर मोस्ट इनोवेटिव बैंक इन डिजिटल बैंकिंग बाय फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन? द बैंकर इन इट्स 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स, सिटी बैंक इंडिया, DBS बैंक, बार्कलेज बैंक एंड बैंक ऑफ अमेरिका, बताएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन द बैंकर के द्वारा यहाँ पर अवार्ड दिया गया है मोस्ट इनोवेटिव बैंक इन डिजिटल बैंकिंग का। सो ये किसको दिया गया है? गुड मॉर्निंग सचिन, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज DBS बैंक। ओके, सो ये सिंगापुरन बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, अलग अलग जगह पर इसकी ब्रांचेस है। यस सचिन, वैभव, तान्या, राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
यस राजीव, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। हु हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेन्स हॉकी एट टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक किसने जीता है? जर्मनी, जापान, बेल्जियम एंड इंडिया। ब्रॉन्ज मेडल इन मेन्स हॉकी, सो बेल्जियम की हम बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ऑस्ट्रेलिया यानी कि उसको गोल्ड मिला, ऑस्ट्रेलिया को सिल्वर मिला है, सेकेंड पोजीशन पे रहा है, और भारत को ब्रॉन्ज मिला है विद अ थर्ड पोजीशन। ये मेन्स हॉकी की बात चल रही है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस राजीव, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सचिन, तान्या, यस गाइज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस वैभव, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रिसेंटली इंडिया और किसके बीच में $250 मिलियन प्रोजेक्ट के लिए साइन हुआ है? सो ये ड्रिप टू करके आपका प्रोजेक्ट है, ताकि डैम्स जो हैं आपके ये सेफ रहे, रेजिलियंट रहे, इसलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, बताएंगे। सो अगेन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक विल बी द करेक्ट आंसर। यस तान्या, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस। यस सचिन, राइट, यस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखेंगे। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021, ये हाल ही में जो है आपका पेश किया गया है पार्लियामेंट में। सो दिस बिल प्रपोजेस टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट, मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन को चेंज करना चाह रहा है अंडर द AERA एक्ट ऑफ 2008। एंड जो अमेंडमेंट है, इट एम्स टू पेयर द स्मॉलर नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स विद द प्रॉफिटेबल वन, ताकि जो बिडर्स हैं उनको एक कंबाइंड पैकेज ही लेना पड़ेगा। सो वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव, तो PPP मोड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस तरह का बिडिंग पैकेज बना के। सो येस राइट सचिन, राजीव, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज बोथ वन एंड टू। येस वैभव, राइट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए येस तान्या, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यूली क्रिएटेड परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट? सो बेसिकली ये परमानेंट फोरम को बनाने के लिए पीछे पर्पज ये कि जो नस्लवाद है और बेसिकली रेसिज्म जो है और कुछ और भी कुकृतियाँ हैं जो अभी भी मौजूद हैं डिस्पाइट टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, तो दिस विल एड्रेस द इशू ऑफ रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जीनोफोबिया एंड इनटॉलरेंस, और इसमें 20 मेंबर्स रहेंगे। सो वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव, सो राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज वन ओनली। येस राइट, बिल्कुल 10 मेंबर्स होंगे इसमें। येस राजीव, तान्या, वैभव, सचिन, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सो इन 10 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स हैं उनको तो जनरल असेंबली अपॉइंट करेगी, एंड जो रिमेनिंग 5% होंगे उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? रिमेनिंग 5 मेंबर्स को उनको UN जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। वॉट इज़ द नेम ऑफ द रिनाउंड डोगरी पोएट हु पास्ड अवे रिसेंटली? उस डोगरी कवि का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जयदेव बधु, सिंह बंधु, सुलक्षणा पंडित एंड पद्म सचदेव, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज पद्म सचदेव। यस तान्य, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव, वैभव, यस राइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसने वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है कंस्ट्रक्ट किया थ्रू उमलिंगला पास। सो ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? ईस्टर्न लद्दाख, वेस्टर्न लद्दाख, नॉर्दर्न लद्दाख एंड सदर्न लद्दाख, बताएंगे। जो उमलिंगला पास में एक मोटरेबल, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, अब तक का रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है BRO ने। सो दिस इज लोकेटेड इन ईस्टर्न लद्दाख, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस सचिन, राइट, वेरी गुड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तान्या, राजीव, वैभव, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा ने एक MOU साइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के साथ। तो ये जो यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर एंड भोपाल। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज बेंगलुरु। यस तान्या, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सियाचिन ग्लेशियर वाली जो हाइट है उससे भी ऊंचाई पर ये मोटरेबल पास जो है बनाया गया है। यस सचिन, वैभव, राजीव, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए।
रिसेंटली द फर्स्ट फ्लाइट हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इम्फाल एंड डैश अंडर द उड़ान स्कीम, उड़ान योजना के तहत इम्फाल और डैश के बीच पहली उड़ान शुरू हुई है. सो न्यू दिल्ली, कोलकाता, शिलोंग एंड दिसपुर. तो ये जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना है, उड़े देश के आम नागरिक, उसी के तहत इसको स्टार्ट किया गया है. सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इम्फाल एंड डैश. सो राइट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. येस सचिन, बिल्कुल सही है आपका आंसर, दैट इज शिलोंग. येस राजीव, तान्या, राइट ऑप्शन सी का एक आंसर है. येस वैभव, राइट. सो गाइज, ये तो हमने प्रीवियस डे का रिविजन कर लिया. अब हम आज की न्यूज़ देखेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और QOTD भी देखेंगे आज का. सो लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा. सो देखिए, हिरोशिमा डे ये आपका हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है. तो आपको याद होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके दौरान 6 अगस्त 1945 में US ने एटॉमिक बॉम्ब जो है ये आपका हिरोशिमा पे गिराया था. एंड ये जो बॉम्ब गिराया गया था इसको लिटिल बॉय कहा गया था. ठीक है, तो जो आपके एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है. सो जो आपके एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में आपकी दो कैटेगरी आती है, आपके फिजन वाले भी आते हैं, फ्यूजन वाले भी आते हैं बॉम्ब्स. ठीक है, तो आपका हर एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, लेकिन हर न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब नहीं होगा. सो अगर एटॉमिक बॉम्ब को हम न्यूक्लियर बॉम्ब कह रहे हैं तो वो कहीं गलत नहीं होगा, बट अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल हुआ वहाँ पर हम एटॉमिक बॉम्ब यूज़ करें तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, सो ये दिन हमें याद दिलाता है कि कितनी ज़रूरत है शांति की, ताकि वर्ल्ड वॉर अवॉइड हो सके, डिस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जा सके. तो इस वर्ष 2021 में 76th एनिवर्सरी इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, क्योंकि हिरोशिमा पे जब बॉम्ब गिराया गया था 1945 में गिराया गया था, और अब इसकी 76वीं सालगिरह है. सो जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो इससे बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत डैमेज कॉज हुआ था, जिसके इम्पैक्ट आज भी देखे जाते हैं. उसके बाद 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 में एक और एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे. ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी दो जगहों पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, इससे डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ और फिर फाइनली यहाँ पर जापान ने सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर में. ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 सचिन, फ्यूजन बॉम्ब जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बिल्कुल हाँ राइट. चलिए क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश, हिरोशिमा दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है. 9 अगस्त 6 अगस्त 5 अगस्त एंड 7 अगस्त, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका. सो राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर सचिन, राइट. छः अगस्त को मनाया जाता है. यस ताने, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप को IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है. इस ऐप का नाम क्या है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, यानी कि अर्थक्वेक आने से पहले आपको वार्निंग दे दी जाएगी, तो इस ऐप के जरिए आपको वार्निंग मिल जाएगी. सो एक प्रोजेक्ट है जिसको उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्पॉन्सर कर रही है, उसी के अंतर्गत इस ऐप का डेवलपमेंट किया गया है IIT रुड़की के द्वारा. सो इसमें कितने लोग एक स्ट्रक्चर के अंदर फंसे हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और अर्थक्वेक के बारे में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अभी आपका कितनी देर में अर्थक्वेक आएगा, कितनी इंटेंसिटी का आएगा, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी. सो जब सिग्निफिकेंट ट्रेमर, यानी कि जब बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होने से पहले कि हाँ भाई अर्थक्वेक आ गया, उससे पहले आपको वार्निंग इशू कर दी जाएगी, और कब भूकंप आएगा उसकी टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगी ताकि आप सावधान हो सकें. तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, देखते कितना ये सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि इस तरह के जो आपके रीजन्स हैं, पहाड़ी एरियाज हैं खासकर, वहाँ पर अर्थक्वेक के जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा जो है आपके अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए. सो अर्थक्वेक की बात करें तो जब आपका अर्थ सरफेस शेक करता है उसको अर्थक्वेक कहते हैं बेसिकली. तो जब आपका अर्थ के लिथोस्फेयर में सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं तो वो सडनली एनर्जी रिलीज करती हैं जो आपका ट्रेमर्स के फॉर्म में, जो वाइब्रेशंस के फॉर्म में हमें फील होती है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको रिक्टर स्केल पर नापा जाता है, और जो इंटेंसिटी होती है उसको हम मर्कली जो स्केल है उस पर नापते हैं. सो क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप. इट हैज़ बीन लॉन्च बाय डैश, IIT मद्रास, IIT रुड़की, DRDO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बताइए. सो ये ऐप को किसने डेवलप किया है? सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज IIT रुड़की. ठीक है,
यस आईआईटी रुड़की विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. वैभव सिंधबाद राजीव तानिया राइट ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए इंडियन रेसलर राजीव कुमार सॉरी रवि कुमार दहिया इट्स नॉट राजीव इट्स रवि कुमार दहिया इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया इन द मेंस 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग एंड फाइनल में ये रशिया के जो रेसलर हैं जाबूर उगेव उनसे हार कर इन्होंने 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीत लिया है. ये टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का 5वां मेडल है. सो एक तो बॉक्सिंग में हमें मिला है लवलीना बॉर्गेन लेकर आई हैं आपका एक पीवी सिंधु लेकर आई हैं ब्रॉन्ज मेडल. ठीक है इसके अलावा जो एक सिल्वर मेडल था वो मीराबाई चानू लेकर आई थी. देन रवि कुमार दहिया अगेन सिल्वर मेडल लेकर आए हैं एंड जो हॉकी टीम है वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं. सो इंडिया का 5th मेडल है टोक्यो ओलंपिक्स में और दूसरा सिल्वर है. सो रवि कुमार 5th इंडियन रेसलर बने हैं आफ्टर केडी जादव सुशील कुमार योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के बाद जिन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता है दैट टू इन ओलंपिक्स हम बात कर रहे हैं. सो रवि कुमार दहिया ने जब 2019 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उस टाइम पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट फॉर इंडिया. तो देखते हैं आने वाले उसमें गेम्स में और कितने हम लोग मेडल जीतते हैं. या चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बिल्कुल पुष्कर सिंह धमी है सचिन राइट बिल्कुल सही बात है. सो विच इंडियन रेसलर हैज़ वन अ सिल्वर मेडल इन मेंस 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स. सुशील कुमार योगेश्वर दत्त साक्षी मलिक एंड रवि कुमार दहिया बताएंगे. सो राइट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज रवि कुमार दहिया. यस सचिन तान्या राइट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए नेवी वेटरन मनन भट्ट इन्होंने एक बुक लिखी है बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा टेरर अटैक पे एंड इस बुक का टाइटल क्या है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा. तो कैसे भारत ने बदला लिया था पुलवामा के पे जो अटैक हुआ था इंडिया पे. सो बालाकोट एयर स्ट्राइक के द्वारा ये लिया गया था तो उसके बारे में पूरा मेंशन है. गरुड़ा एक्स प्रकाशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है. सो इसमें जो भी फरवरी 2019 के दौरान जो भी इवेंट्स थे जो पुलवामा में सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ था और फिर इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी 12 दिन बाद तो उसके बारे में पूरा चर्चा है इस किताब में. जो CRPF की बस पे पुलवामा में अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में 14 फरवरी में उसे पूरा डिटेल अकाउंट इसमें मेंशन है कि क्या कैसे हुआ था. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द एयर स्ट्राइक कैरिड आउट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स. तो इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स हैं उन पे जो इनके द्वारा जो एयर स्ट्राइक की गई थी दैट इज बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी को जो हुई थी. सो कैसे उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया था फाइटर जेट्स ने और कैसे जो टेरर लॉन्च पैड्स उनको डिस्ट्रॉय किया था बालाकोट में तो उसके बारे में पूरा ही मेंशन है. सो क्वेश्चन देखेंगे हुआ इज रिटर्न दी बुक टाइटल बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा. सो अभिनव त्यागी मनन भट्ट सुनील खंडेलवाल एंड किशन रावत बताएंगे. बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा. एवरीवन क्विकली कमेंट करिए. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज मनन भट्ट. यस सचिन राजीव तान्या राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. असम गवर्नमेंट ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए विद नाबार्ड टू एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. असम सरकार असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी और नाबार्ड ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं. इसमें 13,200 करोड़ जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑफ असम. सो इस MOU से क्या होगा जो एक हम डेवलपमेंट चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उसमें एक शिफ्ट होगा पैराडाइम शिफ्ट होगा उसमें लेकर आएगा बदलाव ये. और इसके अलावा जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा. जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो उससे जो भी संबद्ध क्षेत्र हैं उन सब में डेवलपमेंट होगा. सो क्वेश्चन देखिए असम गवर्नमेंट असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी एंड डैश साइंड एन MOU टू एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट. वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एग्जिम बैंक बताएंगे. हाँ बिल्कुल जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा हैं. बिल्कुल गुड मॉर्निंग प्रियांशी वेरी गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे. सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज नाबार्ड. यस तान्या राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ेंगे हम. यस राजीव सचिन राइट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. वैभव राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखेंगे
कैबिनेट ने समग्र शिक्षा स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल दे दिया है और ये स्कीम जो है 2026 तक कंटिन्यू रहेगी, 31 मार्च 2026 तक। एंड समग्र शिक्षा 2 जो है ये सेकेंड मतलब कंटिन्यूशन किया है इसका, जो रिवाइज्ड वर्जन है इसमें 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन स्टूडेंट्स और 5.7 मिलियन टीचर्स जो है कवर्ड होंगे। सो इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन गर्ल्स हॉस्टल में प्रोवाइड की जाएगी, कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है वहाँ पर अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस स्कीम में जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो मोड होता है DBT उसके द्वारा यहाँ पे पैसा पहुँचाया जाएगा। तो देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ अप टू ₹500 पर चाइल्ड फॉर टीचर लर्निंग मटेरियल्स, इंडिजिनस टॉयज एंड गेम्स, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज सबके लिए यहाँ पे प्रोविजन ₹500 हर बच्चे पे खर्चा करने का रहेगा। इसके अलावा स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है इसको NCERT के द्वारा क्रिएट किया जाएगा निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें टीचर्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो जो सेकेंडरी और प्राइमरी टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो NCERT के द्वारा बनाए जाएंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना गाइस, थम्स अप करिए समझ में आ रहा है। तो समग्र शिक्षा स्कीम की बात करें तो जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए एक इंटीग्रेटेड स्कीम ये बनाई गई है, सारी जो भी अलग 3 स्कीम्स थी उनको सब्स्यूम कर दिया गया, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, सबको इंटीग्रेट करके एक समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च की गई। तो प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक ये आपका पूरा यहाँ पर कवर करता है स्टूडेंट्स को, जो भी उनका डेवलपमेंट होगा जो भी उनके लिए किया जाएगा वो स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा, ये अम्ब्रेला स्कीम है आपकी तरफ से। सो इट्स गोल इज़ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, SDG 4 हमें अचीव करना है, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल बाय 2030। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिवाइज्ड समग्र शिक्षा स्कीम। सो ये आपका 31 मार्च 2030 तक कंटिन्यू रहेगा और इस योजना में जितना भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द DBT मोड। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 एंड 2 एंड नन ऑफ द अबव, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ 2 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। ये कब तक कंटिन्यू रहेगी, 2026 तक कंटिन्यू रहेगी। यस सचिन, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तान्या, यस वैभव, राजीव, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। पार्लियामेंट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR और एडजॉइनिंग एरियाज का एक बिल पास किया है। तो इसमें क्या है कि कमीशन बनाई जाएगी ताकि NCR और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर एयर क्वालिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पर कोऑर्डिनेशन के लिए, रिसर्च के लिए, आइडेंटिफिकेशन रेजोल्यूशन के लिए ये कमीशन बैठेगी। सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, इस एयर क्वालिटी कमीशन में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से भी एक पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा। क्यों होगा, आप उसका रीज़न समझ सकते हैं कि जो पराली जलाई जाती है तो, और जो एक एग्रीकल्चर वाली फील्ड से भी जो जलाने की वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको भी एड्रेस करना है। ठीक है, सो उससे भी एयर की क्वालिटी थोड़ी डिटोरिएट होती है। सो इन दिस बिल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वो एरियाज़ हैं जिनके लिए ये बिल पास किया गया है अपार्ट फ्रॉम NCR। सो एनी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दीज रीजन्स कैन इम्पैक्ट द एयर क्वालिटी। तो इन क्षेत्रों में कुछ भी अगर आपका पोल्यूशन रहेगा तो वो NCR रीजन की एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, जैसा कि हम हर साल देखते हैं नियर दिवाली ये सब होता है। रीज़न फॉर एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, अगर हम देखें तो पोल्यूशन का कारण क्या है, स्टबल बर्निंग जो मैंने आपको बताया था, पराली का जलना, देन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सॉरी स्टबल बर्निंग आपका बेसिकली जो धान आप काटते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको जब आप जलाते हैं तो उसको स्टबल बर्निंग कहते हैं बेसिकली। सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की हम बात करें, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से आपका एयर पोल्यूशन होता है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से होता है, व्हीकलर एमिशन की वजह से होता है। ठीक है, देन व्हीकलर एमिशन, जो भी आपके क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होगी तो वेस्ट जनरेशन होगा, या फिर अगर आप कुछ भी चीज़ें जलाते हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप का पोल्यूशन आपका क्रिएट हो सकता है। देन व्हीकलर एमिशन, जो भी आप व्हीकल्स यूज़ करते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करके आप कोशिश करते हैं कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट आप प्रेफर करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका व्हीकलर एमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। सो क्वेश्चन देखिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड जॉइनिंग एरियाज बिल 2021 के बारे में क्या सही है।
तो इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर से होगा और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को एडजॉइनिंग एरियाज माना गया है. सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव. बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताइए गाइस फटाफट से. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वन एंड टू. दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. यस सचिन तान्या, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज बोथ वन एंड टू. यस राजीव, राइट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिए, जर्मनी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया है और ये पांचवी कंट्री बन गई है जिसने फ्रेमवर्क में जो अमेंडमेंट किए गए थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, उसको रेटिफाई किया है. सो डेनमार्क पहली कंट्री थी, इसके अलावा स्वीडन कर चुका है, इटली कर चुका है, जर्मनी कर चुका है. एंड ये जो एग्रीमेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसको अमेंड किया गया था ताकि यूएन मेंबर कंट्रीज जो हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं. पहले तो ये था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पार्शियली या फुली लाई करें वो इसकी सदस्य बन सकती हैं, लेकिन अभी ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसका सदस्य बन सकता है. सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस उस टाइम पे जो थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने COP21 पेरिस में 2015 में इसको जो है इसकी परिकल्पना की थी. एंड ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है. और इसका मेन एम क्या है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो हमने सोचा था कि भाई हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करके हमें जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको कम करना है, सो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अलायंस बनाया गया है. सो जो इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था मराकेच इन नवंबर 2016 में. सो क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री बिकेम द फिफ्थ कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आफ्टर अमेंडमेंट्स, डेनमार्क, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर गाइस, फटाफट से बताइए. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज जर्मनी. ठीक है, जर्मनी आपका जो है पांचवा देश बन गया है. यस सचिन, राइट तान्या, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. राइट, यस वैभव, ब्रूटल, राजीव, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, जस्टिस वीएम कनाडे अपॉइंटेड एज लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र, आप इनको फोटो में देख सकते हैं. सो जो लोकायुक्त है इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. तो जो भगत सिंह कोश्यारी है अभी महाराष्ट्र के गवर्नर, उनके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया है. और यहाँ पर एडवाइस किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, उद्धव ठाकरे जो उनके एडवाइस में इनको अपॉइंट किया गया है. सो पिछले एक साल से ये सीट जो था ये वैकेंट था. इससे पहले जो एमएल ताहलियानी थे उनका टेन्योर जो है अगस्त 2020 में ख़त्म हो गया था एंड तब से जो है ये सीट वैकेंट पड़ा था. सो अब फाइनली वीएम में जो कनाडे हैं ये आपके महाराष्ट्र के लोकायुक्त बन चुके हैं. सो लोकायुक्त जो है वे आपका पहली बार स्टैब्लिश हुआ था इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1971 में एंड दिस वॉज स्टैब्लिश अंडर द महाराष्ट्र लोकायुक्ता एंड उपा लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 1971. सो लोकपाल जो है ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्वायरिंग इन टू करप्शन चार्जेस एट द नेशनल लेवल, वाइल लोकायुक्त इंक्वायर द करप्शन चार्जेस एट द स्टेट लेवल. तो लोकपाल जो होता है वो आपका सेंटर के लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पे करप्शन चार्जेस को इंक्वायर करता है. जो लोकायुक्त होता है ये स्टेट लेवल पे काम करता है, डिफरेंस समझिएगा. सो लोकायुक्त की हम बात करें तो ये आपका दिस एक्ट एज अ वॉच डॉग एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन. तो कोई भी सिटीजन है वो करप्शन के अगेंस्ट अगर कंप्लेन करना चाहता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, तो वो लोकायुक्ता से कंप्लेन कर सकता है. सो क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लोकायुक्त ऑफ महाराष्ट्र, एमएल ताहलियानी, वीएम कनाडे, पी लक्ष्मण रेड्डी एंड श्याम किशोर शर्मा, बताएंगे महाराष्ट्र के लोकायुक्त रूप में किसे नियुक्त किया गया है. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वीएम कनाडे. यस तान्या, सचिन, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. वैभव दीक्षित, यस करिश्मा, राजीव, राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. गवर्नमेंट ने एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर जो है ये बिहार में लॉन्च किया है. तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, प्रोफेसर के विजय राघवन, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था बक्सर बिहार में. सो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर टेक्नोलॉजी है गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है.
सो जो टेक्नोलॉजी है दिस वॉज सेलेक्टेड थ्रू द बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज हुआ था जो जून 2020 में लॉन्च किया गया था वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत, मैंने आपको बताया भी था। सो उसी के अंतर्गत इस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया गया है एंड ये एक बार में जो कॉटन प्लास्टिक और कुछ भी इस तरह के मटेरियल है एक घंटे में 50 किलो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर सकता है। इसको 2 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए होगा मशीन को रखने के लिए और केवल 0.6 किलोवाट आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन इसमें होगा। सो आपको पता है कि बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करना और डिस्पोज करने का जो एक समस्या है ये आपकी कोविड पैंडेमिक के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज जो आपका कोविड पैंडेमिक है ये आपका थ्रू टच दिस इज स्प्रेडिंग, तो इस तरह का जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको आप खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी उसको हैंडल करने की और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, कोई भी ऐसा वेस्ट जो आपके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट या फिर जो इम्यूनाइजेशन है ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का रिसर्च एक्टिविटीज़ में या कुछ इस्तेमाल होता है तो उससे जो जनरेट होता है। अब जैसे मान लीजिए हम इतने लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं तो जो आपके इंजेक्शंस खाली जो सिरिंजेस होती हैं इंजेक्शंस होते हैं ठीक है वो आपके यूज़ होते हैं, देन उस जिन बॉटल्स में आपका वैक्सीन आता है दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। देन इसके बाद जो कोविड पेशेंट्स का जो भी टेस्टिंग किया जाता है यहाँ पे जो स्वाब से लिया जाता है सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसका जो वेस्ट होता है, तो इस तरह का जो वेस्ट है बहुत सारा प्रेजेंट है, इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो बायोमेडिकल वेस्ट दीज आर मैनेज थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय राघवन इनॉग्रेटेड अ डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर इन डैश उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा एंड झारखंड, बताएंगे करेक्ट आंसर्स का क्या होगा गाइज। प्रोफेसर के विजय राघवन इन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, सो राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दैट इज बिहार, बक्सर बिहार में इसको इनॉग्रेट किया गया है। यस तानिया राजीव राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी लोग भी गाइस कमेंट करते रहिए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखिए, इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइन और बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इसने अपने सी ट्रायल स्टार्ट कर दिए ऑफ द कोस्ट ऑफ कोची एंड ये कौन सा है हमारा इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रांत है, फोटो में आप इसको देख सकते हैं। सो ये इंडियन नेवी के जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन है उसने डिज़ाइन किया है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। सो INS विक्रांत में 75% इंडिजिनस कंटेंट है और ये ईस्टर्न नेवल कमांड में जल्दी कमीशन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगस्त 2022 तक यानी अगले साल अगस्त तक इसको नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। सो INS विक्रांत की हम बात करें 262 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर वाइड है और इसकी हाइट 59 मीटर्स है। इसमें टोटल 14 डेक्स हैं और 2300 कोचेस हैं और टॉप स्पीड इसकी 28 नॉट्स के आसपास है। सो इसका जो डिज़ाइन है कम्प्लीटली 3D में मॉडल किया गया था। सो क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट इंजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत विल बी कमीशन इन टू द इंडियन नेवी बाय डैश 2024, 2026, 2022 एंड 2028, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्विकली बताइएगा इसे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 2022 तक इसको कमीशन किया जाएगा। यस तानिया राइट ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यस राजीव राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मैंने कल आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था कि मलेशिया में जो किंता वैली है दिस इज फेमस फॉर वॉट, सो रबर प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, टिन प्रोडक्शन एंड कॉफी प्रोडक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज टिन प्रोडक्शन, टिन उत्पादन के लिए किंता वैली जो मलेशिया में फेमस है। ठीक है चलिए, सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए गाइस, सो विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होगा, सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गाइज आपके आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। सो गाइज हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड गाइज जो भी बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं सो उनके लिए एनालिसिस जो है वो डेली हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो एनालिसिस के वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज जो
9 बजे से आपकी द हिंदू वो कैब की क्लास होगी, उसको भी आप अटेंड करिएगा, और जो आपकी हाफेली करंट अफेयर्स बुक है उसको परचेज करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।